गोरखपुर महोत्सव में लगी विज्ञान प्रदर्शनी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में लगे विज्ञान प्रदर्शनी में कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण बच्चों ने प्रदर्शनी में लगाई है। यह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी है। यह देखने में तो सिंपल चीज है, लेकिन इसके कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं। यह प्रदर्शनी बच्चों के अंदर यह प्रेरणा देता है कि हम अच्छे से अच्छा और बेहतर चीजें कर सकते हैं, और हम जब इन एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इन बच्चों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी में भाग लेने से और इस तरह की चीजों को करने से बच्चों को और ज्ञान मिलता है। इससे बच्चों को यह जानकारी भी होती है कि हम इससे अच्छा और आगे क्या बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान प्रदर्शनी में जितने उपकरण लगाए हैं उन सबको मैंने देखा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और काफी अच्छा प्रदर्शनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, पटल देखते हुए माननीय कुलपति महोदय यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति व स्वागत गीत प्रस्तुत करें संपदा मिश्रा जी कौड़ी राम से। तालियों के साथ अभिनंदन एक बार पुनः। आदिनी वरदे वरदे वर हमारे बीच आ चुके हैं, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मॉडल्स का विश्लेषण करते हुए साथियों हमारे सभागार डॉक्टर लाइन है ओडी एकेडमी माधोपुर डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फिलर्स से ऑटोमेटिक स्वाइन मॉस्टर सेंसर अनमोल मौर्य टीम सेंट जेवियर से एक्सीडेंट मीथेन सर, केवल प्योर मीथेन होती है, तो ये थोड़ा सी एच फोर नहीं है। एक बार शिकागो में बोले तो आज तक उनकी बात गूंज रही है, तो आपकी तालियां इतनी तो होनी चाहिए कि बाहर तक गूंजे। जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय कुलपति महोदय मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बारीकी से विज्ञान के मॉडलों का निरीक्षण करते हुए साथियों आपको बता दें कि मदन मोहन जिस तरह से आप लोग युवाओं को बोल देकर वहाँ के लोगों के कल्याण के बारे में अनवरत रूप से प्रयासरत है, आपको बता दें कि गोराबाड़ क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गाँव अध्यक्षा आपके श्रीमती जी के द्वारा गोद लिया गया है और वहाँ पर कई सारे सेंटर हमारे विशिष्ट हो चाहे महोदय आपका भी विशेष अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच डायरेक्टर विनोद सर, जो आपका हार्दिक अभिनंदन है सर आपकी उपस्थिति और आपके संस्था के बढ़ती हुई मॉडल्स की तरफ अभी जेवियर के मॉडल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे इस विज्ञान मेले में बहुत सी गतिविधियाँ हो रही हैं। तैयार है हम सभी के लिए बहुत विशेष अवसर है हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे सर हमारे बीच जिस बारीकी से आप देख रहे हैं आपके आने के लिए आप सभी गलायित है। माननीय कुलपति महोदय के मंच पर आते ही सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनि के चित्र पर दीप्य ज्वलन व माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का विधिवत किया जाएंगे और बीच बीच में कैनेट्स को भी किस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जैसे हमारे
क्या कैसा रहा? बहुत अच्छा है, ये जितने अच्छे दिखे इनोवेटिव चीजें, एक बच्चे सरफेस टेंशन में बनाई है वो बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन सिंपल में उसके अंदर कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो ये बनाता है बच्चों को, बच्चों के अंदर एक प्रेरणा देता है कि हम स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, और हम जब पढ़ेंगे जब आगे बढ़ाएंगे एप्लीकेशन तो इसमें इन बच्चों को बड़ी मदद मिलेगी। तरह की सर प्रदर्शन से बच्चों को कितना उत्साहवर्धन होगा और बढ़ावा मिलेगा? ज्ञान बढ़ता है, बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ता है, और आगे कौन सा और नई चीज बना सकते हैं ये इनको पता रहता है, और एक दूसरे के प्रोजेक्ट को देखेंगे जो प्रदर्शनी में लगाए हैं।